हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज से हम एक नया टॉपिक, नई बात शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। आज से मैं थोड़ी थोड़ी टाइमलाइन जो कि मेरे साथ मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड्स जो की है जो शेयर करते हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। सो फर्स्ट, ये जो टाइमलाइन है ये है 1 अगस्त है, और उनकी फाइल सबमिट हुई थी सितंबर 2020 इनटेक के लिए। फिर उन्होंने डिफर करवाया था जैन 21 को 22 सितंबर को, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बार अगेन डिफर करवाया था मई 2021 को जैन 17 को। तो फिर उनको AIP आया था 22 सितंबर, और उनको डिफर करा दिया था उन्होंने सेम डे पे। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 30 नवंबर, और उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 15 जैन को, और उनकी दूसरी AIP। सो बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं कि हमारी दूसरी AIP आ रही है तो क्या करें। तो कुछ मत करिए, आने दीजिए, लेकिन उसके बाद आपकी फ़ाइल जब वो लोग पूरी चेक करेंगे, तो इधर आप ये केस में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी दो दो PPR आई थी। पहले एक सितंबर इनटेक के लिए आई थी और एक जैन इनटेक के लिए भी आई थी, जो उन्होंने डिफ़र करवा दिया था। 17 जैन को उन्होंने डिफ़र करवाया था, लेकिन उसके बावजूद उनको 26 जैन को आया था उनका AIP, ठीक है। और PPR उनकी आई 2 फरवरी को। और look over at the starter file, you'll see kind of what I'm talking about. ये so, जो this... है ये आप देखिए, ये वीज़ा फाइल उन्होंने लॉन्च की थी 15 दिसंबर को, ठीक है। फिर उनका मेडिकल हुआ था सितंबर को, फिर उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था जो वो जैन 7 को हुआ था, और उनका बायोमेट्रिक अपडेट जो हुआ था वो जैन 7 को हुआ था, उसी दिन हुआ था। और मेडिकल अपडेट जैन में हुआ था, उनका AIP आया था 15 डेज आफ्टर बायोमेट्रिक्स, मतलब जैन 7 के 15 डेज के बाद उनका बायोमेट्रिक्स आया, ठीक है, ये देख लीजिए। और उनका PPR आया था 3 फरवरी को, ठीक है। और यही है, और अभी मैं दूसरी आपको दूसरा बताता हूँ। ओके, सो ये दूसरा केस है, इधर आप देख सकते हो वेटेड ऑल डे फॉर टू डे। यस डेफिनेटली, बहुत बहुत हम बहुत देरी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये फाइल का 22 अगस्त को उन्होंने फाइल लगाई थी, 2 दिसंबर को उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था, उनकी फाइल STS कैटेगरी की थी, और उनका 14 दिसंबर को मेडिकल अपडेट हुआ था। ये मेडिकल अपडेट देखिए आप, 14 दिसंबर को हुआ था, और उसको उसके बाद उनको आया था AIP 6 सिर्फ 26, यानी ये बहुत टाइम होता है। इसलिए बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि मेडिकल अपडेट होने के बाद कितना टाइम लगता है। तो देखिए, ये बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है केस टू केस। कई केसेस में हमें ये भी ट्रेंड देखने को मिलता है कि मेडिकल अपडेट होने के बाद जैसे ही उनकी रिव्यू फॉर एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है, विद इन 6 डेज आ जाता है उनका AIP, ठीक है। और फिर उन्होंने डिफर फ्रॉम जैन 20 मई 21, 3 फरवरी को उनको PPR आया उनका फाइनल। AIP आया 26 जैन को, बाद में उन्होंने डिफर करवाया मई को, लेकिन उनका 3 फरवरी को उनको PPR आ गया 9:10 PM पे, ठीक है। फिर ये था, ये है एक वीज़ा फाइल जो 18 सितंबर को लॉन्च की थी। उनका मेडिकल हुआ था 20 मई को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 7 दिसंबर को, और उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 22 जैन को, और उनका AIP आ गया 25 जैन को। देखिए ये जो ये गैप देखी, इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 दिनों की गैप है, और उनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर 4 फरवरी, और उसी दिन उनका PPR आ गया था, रात को 1 घंटे के बाद आ गया था। सो ये देखिए कि मेडिकल अपडेट होने के बाद AIP आने में कितना टाइम लगा, इधर सिर्फ 3 दिन लगे। और हमने जो प्रीवियस केस दिखा था उसमें उनका मेडिकल अपडेट हुआ 14 दिसंबर को, और AIP आया सिर्फ सीधे 26 जैन को। सो ये सब आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि क्या है ट्रेंड, हम इधर ट्रेंड, कोई ट्रेंड नहीं है इधर, सब डिपेंड करता है आपके लक पे। कई बार कोई ट्रेंड देखने को मिलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर देख सकते हैं कि ये कैसे डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। और फिर ये है, फाइल लॉन्च की थी उन्होंने 17 सितंबर को, बायोमेट्रिक्स हुआ था उनका 3 दिसंबर को, मेडिकल अपडेट हुआ था उनका 6 जैन को, ठीक है। उनका मेडिकल अपडेट कब हुआ था, 6 जैन को, रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी 21 जैन को उनकी स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए सिर्फ कितने टाइम में उनका AIP आ गया, देखिए। और AIP आने के बाद उनको कितना टाइम लगा PPR आने में, ये सब आप चेक कीजिए। ये एक पैटर्न नहीं बनाता, ये कभी भी आ सकता है। इनका फ्रेश एप्लीकेशन था जैन तक, ठीक है। सो अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे नए फाइल सितंबर में लगाई थी, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर
और नवंबर नवंबर के बच्चों को अभी नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी अभी स्टार्ट नहीं है। ये ट्रेंड सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के लिए मैं कब से देख रहा हूँ। देखिए ये भी एक दूसरा केस है जिसमें उन्होंने 20 अक्टूबर को फाइल लॉन्च की थी। उनका मेडिकल हुआ था 7 सितंबर को, ठीक है, और उनका 7 सितंबर को एन एलिजिबिलिटी स्टार्टेड ऑन द सेम डे 16 जैन। उनका मेडिकल हुआ अपडेट हुआ था अपडेटेड ऑन 16 जैन और उसी दिन उनका एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद उनका बायोमेट्रिक्स हुआ 8 दिसंबर को जो इधर इंडिया में स्टार्ट हुआ था और AIP उनको 19 जैन को आई। उसके बाद उनको PPR आई 4 फेब को, ऑलमोस्ट 20 डेज। सो ये भी देखिए कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। सो ये सब बात कंसिडर कीजिए, ठीक है। और बस यही थे कुछ टाइमलाइंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आपको अगर ऐसी टाइमलाइंस चाहिए कि जो मेरे साथ पर्सनली मैं कोई ऐसे ऐसी टाइमलाइंस नहीं दिखाता जो पर्सनली मैं चेक करता हूँ, मैं खुद वेरीफाई करता हूँ और उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ। सो अगर आपको ऐसी टाइमलाइंस देखनी हो, अगर आपको ऐसी वीडियो एट द एंड ऑफ द डे चाहिए तो मुझे आप नीचे कॉमेंट में लिख दीजिए। और ऐसी कनाडा के रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सब लोगों को पेशेंस रखना होगा, आपकी भी आएगी ऐसी PPI। सो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।